हेलो एवरीवन, सो आज का टॉपिक है सबमर्ज एरेटेड रिएक्टर्स। नाउ देर इज़ अ डिस्क्लेमर कि अगर आपको सबमर्ज एरेटेड रिएक्टर्स पढ़ना है तो उसके पहले आपको प्राइमरी नॉलेज होना चाहिए, प्राइमरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, सेकेंडरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के दो तीन स्टेजेस हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल और सीवेज वाटर या फिर डोमेस्टिक वाटर। जो भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, सबसे पहले वो एक प्राइमरी स्टेज में जाता है, सेकेंडरी स्टेज में जाता है और टर्शरी स्टेज में जाता है। प्राइमरी स्टेज के अंदर उसके सारे ही लार्ज पार्टिकल्स जो वेस्ट वाटर में होते हैं वो सारे रिमूव हो जाते हैं। सेकेंडरी जो प्रोसीजर है उसके अंदर वेस्ट वाटर के अंदर जितने भी कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं, उस सभी को हम रिमूव करते हैं। लेकिन सेकेंडरी जो प्रोसीजर है उसका हमें बेसिस मिला है थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्चुअली क्या करते हैं कि जो कंपाउंड्स है उसको यूटिलाइज करके उसको डिग्रेड कर देते हैं, और इसी वजह से जो वेस्ट वाटर में जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो क्लैरिफाई हो। सो दिस इज़ हाउ सेकेंडरी ट्रीटमेंट वर्क्स। नाउ सेकेंडरी ट्रीटमेंट का भी बहुत सारे अलग अलग वेरियंट्स में रिएक्टर्स आते हैं जो अलग अलग तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्लेस करते हैं वाटर सिस्टम में। लेकिन सबमर्ज एरेटेड रिएक्टर एक अटैच ग्रोथ सिस्टम है। अटैच ग्रोथ सिस्टम मतलब दो टाइप से हम जो है बायोफिल्म को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं वेस्ट वाटर में, थ्रू सस्पेंशन, मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हम सीधा ही वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में डाल देंगे इन अ सॉल्यूशन फॉर्म, और दूसरा कि एक सरफेस पे हमने बायोफिल्म जनरेट किया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की और उस पे से हम फ्लो डालेंगे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का। तो सबमर्ज एरेटेड रिएक्टर जो है वो अटैच ग्रोथ सिस्टम का एक रिएक्टर है, और इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन प्रिंसिपल, मेथडोलॉजी और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, यानी कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क करते हैं और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हैं इस प्रोसेस में, वो हम लोग देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबमर्ज एरेटेड रिएक्टर, इट इज़ अ मल्टी स्टेज रिएक्टर इन विच द बायोफिल्म ग्रोज ऑन स्टेशनरी सिरामिक प्लेट्स। सिरामिक प्लेट्स का इधर सबमर्ज एरेटेड रिएक्टर्स में यूज़ हुआ है, और मल्टी स्टेज वो इसलिए क्योंकि बहुत अलग अलग स्टेजेस में जो है वो ट्रीटमेंट होगी वाटर की, और डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस डिफरेंट स्टेजेस में होंगे, इसीलिए मल्टी स्टेज रिएक्टर है ये। दैट आर टोटली सबमर्ज। टोटली सबमर्ज मतलब कुछ रिएक्टर्स ऐसे होते हैं जैसे कि रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्टैक्टर है, उस वो कॉन्टैक्टर घूमता है और वाटर के कॉन्टैक्ट में थोड़े टाइम के लिए आता है वो पूरा बायोफिल्म, लेकिन इसके अंदर ये टोटली वाटर के अंदर सबमर्ज रहेगा पूरे टाइम। और इसी वजह से यूजुअली हमको ये अंडरग्राउंड सिस्टम में देखने मिलता है जहाँ पे वाटर और बायोफिल्म जो है वो अंडरग्राउंड रहती है अंडर कंटिन्यूअस एरेशन। नाउ व्हाई एरेशन इज़ रिक्वायर्ड, बिकॉज ऑर्गेनिजम्स आर एरोबिक। जो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर वर्क कर रहे हैं वो एरोबिक प्रोसेस यूज़ करते हैं, तो हमको एरेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। प्लांट्स आर 1 to 4 mm। तो मैथडोलॉजी, मैंने आपको बोला था कि मल्टी स्टेज प्रोसेस है ये, तो इसके अंदर तीन डिफरेंट प्रोसेस होती है अलग अलग स्टेज पे। तो कौन से तीन स्टेजेस हैं? तो पहला है प्राइमरी, सेकेंडरी और फिर है फाइनल क्लैरिफिकेशन। तो एक एक को हम देखते हैं। प्राइमरी क्लैरिफिकेशन, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि पहले जितने भी लार्ज सॉलिड्स हैं वो सब पानी में से निकलेंगे, तो सबमर्ज एरेटेड रिएक्टर का खुद का भी प्राइमरी टैंक है। कितने हैं टैंक? टोटल तीन टैंक्स हैं। उसके अंदर प्राइमरी टैंक है जिसके अंदर सॉलिड्स सब निकलते हैं, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेज या प्राइमरी स्टेज। फिर है सेकेंडरी स्टेज, तो उसके अंदर रिमूवल होता है COD, BOD, जो कि पूरी ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रोसेस है वो, और वो जो टैंक है उसको हम बोलते हैं सबमर्ज एरेटेड रिएक्टर, जो मेन टैंक है। फिर है फाइनल क्लैरिफिकेशन। तो फाइनल क्लैरिफिकेशन में फिर क्या बचेगा? फाइनल क्लैरिफिकेशन में सब कुछ होने के बाद जो क्राइटेरिया हमको चाहिए कि इतना COD रिमूव होना चाहिए, इतना BOD रिमूव होना चाहिए, कितना बचना चाहिए, तो वो सब प्रोसेस जो है वो फाइनल क्लैरिफायर करता है। कौन सा टैंक? फाइनल क्लैरिफायर वो सारी प्रोसेस करता है। और जो क्राइटेरिया है वो सेट है, वो है 30 mg/L। उस क्राइटेरिया तक पहुंचाने की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होती है फाइनल क्लैरिफायर के ऊपर। क्यों? ये तीन स्टेजेस हैं और ये तीन टैंक्स में ये तीन स्टेजेस होते हैं।
फिर बात तो आती है कि फ्लो किस तरीके से होता है। तो फ्लो या फिर अपवर्ड हो सकता है या डाउनवर्ड हो सकता है। जो पूरा रिएक्टर है उसके अंदर हम अप फ्लो करवा सकते हैं या फिर डाउन फ्लो करवा सकते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट वेस्ट वाटर का सॉरी। और उसके बाद है एरेशन। तो अभी मैंने आपको बोला था कि एरेशन बहुत ही ज़रूरी है। तो एरेशन है वो कंटिन्यूअस होगा। हम लोग एयर स्पार्जर्स जो है वो ऑक्सीजन का जो फ्लो है वो वेस्ट वाटर के अंदर या फिर फिल्टर मीडिया के अंदर प्रोवाइड करेंगे ये, या फिर पूरे फिल्टर मीडिया के आजू बाजू डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं यूनिफॉर्मली, या फिर ये सिर्फ बॉटम में होते हैं और आगे तक पहुंचाते हैं ऑक्सीजन। ठीक है। और फिर लास्टली आफ्टर एवरी रन फिल्टर मीडिया इज़ बैक वॉश्ड विथ वाटर। जैसे ही एक रन ख़त्म हो चुका है इसका मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे कुचे सॉलिड्स जो हैं वो फिल्टर मीडिया पे रह सकते हैं। तो ऐसे फिल्टर मीडिया को हम अगेन यूज़ नहीं कर सकते। तो बैक वॉशिंग होती है किसकी? फिल्टर मीडिया के थ्रू वाटर। और मैंने आपको बोला कि सेकेंडरी प्राइमरी ट्रीटमेंट में सॉलिड्स रिमूव हो जाते हैं तब स्लज निकलता है। तो स्लज क्या है? स्लज वो चीज़ है कि वेस्ट वाटर के अंदर जितना प्योरीफाइड पार्ट है उसको हम एफ्लुएंट बोलते हैं जो नेक्स्ट स्टेज में जाता है। ऐसा पार्ट जो ख़राब है तो उसको हम स्लज बोलते हैं। तो हर एक स्टेजेस में स्लज निकलता है और स्लज का एक अलग कंटेनर होता है जहाँ से वो स्लज प्योरीफिकेशन में जाता है। तो ये इसकी हुई मेथडोलॉजी। इसका बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या है कि कौन से ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं, कैसे प्रोसेस होती है वो हम देखेंगे। तो मैंने आपको बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो रिड्यूस होता है थ्रू ऑर्गेनिजम्स और दूसरे कंपाउंड्स जैसे कि नाइट्रोजन। नाइट्रोजनस कंपाउंड्स जो हैं वो ज़्यादातर यू नो डोमेस्टिक वाटर में इंडस्ट्रियल वाटर में कहाँ से आते हैं? तो यूरिया जो है यूरिया लाता है ज़्यादातर अमोनिया। तो उस अमोनिया को सबसे पहले हमको कन्वर्ट करना होता है NO3 में। तो एक बेसिक नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन का जो कन्वर्जन है वही इसके अंदर प्रोसेस होती है, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे भी करते हैं। तो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में अमोनिया जो है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। अब ये नाइट्रेट वाले पानी को तो हम डिस्चार्ज नहीं कर सकते। तो अगेन कुछ एनॉक्सिक कंडीशन में दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि कुछ हेटरोट्रॉफिक या डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरियाज जो होते हैं वो नाइट्रेट को फिर N2 में N2 गैस में कन्वर्ट करते हैं और ये N2 गैस जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज करवाया जाता है। तो इस तरीके से अमोनिया या नाइट्रोजनस कंपाउंड जितने भी हैं उसको हम रिमूव कर सकते हैं। ये उसकी बात हुई। दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है उनका रोल होता है अलग अलग एलिमेंट्स और अलग अलग कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिग्रेड करना। तो उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जैसे कि फंजाई है एक एग्जांपल है प्लानेरिया उसका, और दूसरे हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है और है कुछ आल्गे प्रोटोजोआ, और ये सब मिलकर जो है एसोसिएशन करके ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिस्ट्रक्शन करते हैं। अब इन सब की बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स मैंने इसमें से बहुत ही कम समझा है। अगर आपको पूरा डिटेल्ड क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, रिएक्शंस कैसे होते हैं, वो सेम ऐसा ही है जैसा